Hello CA Final students, today we are going to revise Audit Committee and Corporate Governance. To introduce myself, I am Naman Malpani and I have secured All India Rank 45 in the November 2020 examinations and I am providing the audit revision classes and today's topic is Audit Committee and Corporate Governance. So let us start. So what do we mean by Corporate Governance? Corporate Governance is a system. It is a system by which the management directs and controls the activities in the best interest of the stakeholders. Matlab ek hi aisa system hai jiske through management direct and control karta hai the activities in the best interest of the stakeholder. It is a system by which the management directs and controls the activities in the best interest of the stakeholder. Ye corporate governance ki definition hai. Fir apan samajhte hai ki legal framework kya hai. Jo bhi substantive provisions hai, jo SEBI LODR ke hai, wo hamare SEBI LODR ke main body mein, while the procedural requirement, jaise maan lo ki procedural requirement mein matlab formats of jaise financial statement, wo sare kaha pe de rakhi hai, schedules mein de rakhi hai, hai na. To jo SEBI LODR hai, wo kiski replacement hai? Clause 49 of the listing agreement. To clause 49 ki replacement kaun si hai? SEBI LODR. पहले clause 49 होता था listed entities के लिए, अब SEBI LODR होता है, है ना? अब जो LODR regulation होती है ना, वो सिर्फ post listing requirement के साथ deal करती है, मतलब list होने के बाद के requirements, इसमें pre listing requirements नहीं आते, and exclude all the pre listing requirement. इसके ऊपर एक MCQ बन सकता है, जो SEBI LODR सिर्फ post listing requirement के साथ deal करती है, it does not deal with the pre listing requirement, मतलब list होने से पहले requirement जो होती है, उससे deal नहीं करता. अब अपन समझते हैं जो जो इश्यूज एड्रेस्ड है इन द इश्यूज ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि एलओडीआर एड्रेस करता है. तो सबसे पहले वो एड्रेस करता है बोर्ड का कंपोजिशन क्या होगा, कंपनसेशन क्या होगा, एंड डिस्क्लोजर्स क्या क्या होंगे, मतलब बोर्ड का कंपोजिशन एंड कंपनसेशन, ठीक है. कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजिल मैकेनिज्म, ठीक है, ये मैकेनिज्म है, ठीक है. ये हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे ऑडिट कमेटी या कंपोजिशन क्या होगा, कितनी मीटिंग करनी पड़ेगी, पावर्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट कमेटी क्या क्या होगा, मतलब बोर्ड ऑडिट कमेटी आपको लर्न कैसे करना है, बोर्ड का कंपोजिशन, कंपनसेशन, ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन, है ना, ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड और ऑडिट कमेटी साथ में लर्न किया अपन ने. फिर अपन ने याद किया कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजिल मैकेनिज्म, फिर हमने याद किया रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट. फिर हमें देखो मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, इसमें क्या फंडा है कि सब्सिडरी कंपनीज को कौन कौन से, मतलब लिस्टेड एंटिटी की सब्सिडरीज को कौन कौन से, मतलब लिस्टेड एंटिटी को क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेगी ऑफ दी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, है ना, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, जब भी डायरेक्टर कोई नया अपॉइंट होने जा रहा है तो उसके पहले शेयर होल्डर्स जब उसका अपॉइंटमेंट करेंगे तो क्या क्या चीजें देखेंगे, तो इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है. कंप्लायंस सर्टिफिकेट दो चीजों कौन कौन देता है, सीईओ एंड सीएफओ, एक देता है ऑडिटर या फिर प्रैक्टाइजिंग कंपनी सेक्रेटरी. देखो कंप्लायंस सर्टिफिकेट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सीईओ एंड सीएफओ जिसमें यह बताया जाता है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर तरीके से बनाया है, इंटरनल कंट्रोल हमने लगाए, ये तो होता है सीईओ एंड सीएफओ के. एक ऑडिटर देता है या फिर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ठीक है, या तो इधर द ऑडिटर देता है या फिर प्रैक्टिस इन कंपनी सेक्रेटरी देता है कि वो ये बताता है कि कंपनी ने कंप्लाई किया है कंडीशंस ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना. तो अगर मैं रिवाइज करता हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू मैनेजमेंट डायरेक्ट करती है एंड कंट्रोल करती है एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर. उसके बाद हमने पढ़ा कि एलओडीआर सिर्फ पोस्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट के साथ डील करता है, इट डज नॉट डील विद द प्री लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, और एलओडीआर ने क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट को रिप्लेस किया है. इश्यूज जो कि एड्रेस है एलओडीआर में वो क्या क्या है, पहले बोर्ड ऑडिट कमेटी, फिर मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट, विजिल मैकेनिज्म, है ना, रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजमेंट of subsidiary companies, information to share holders, and compliance certificate, एक CEO and CFO वाला, एक auditors या practicing company secretary में से कोई भी दे सकता है. तो ये देखो दो तरीके के compliance certificate होते हैं, एक CEO and CFO, एक compliance certificate होता है, या तो मतलब auditor जो देता है और या फिर practicing company secretary. ये तो होता है corporate governance की क्या conditions को comply किया गया, और इसमें ये बताया जाता है ऊपर वाले में CEO and CFO वाले में बताया जाता है कि क्या financial statements true and fair view देते हैं या नहीं देते. तो LODR की एप्लीकेबिलिटी, ये रेगुलेशन 3 बताती है, जिस कंपनी ने कोई भी लिस्टेड कोई भी सिक्योरिटीज लिस्ट कर रखी है, है ना, मतलब ये वाली सिक्योरिटीज लिस्ट कर सक डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज, मतलब अगर ये वाली सिक्योरिटीज लिस्ट कर रखी है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो उसे SEBI LODR का पालन करना पड़ेगा. तो कौन कौन सी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज है, तो
स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड है मेन बोर्ड पे या फिर SME पे या फिर ITP पे, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड है मेन बोर्ड पे, SME पे या ITP पे, ठीक है। तो ये मतलब अगर कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है तो LODR लगता है। अगर लिस्टेड एंटिटी हु हैज लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी, अब डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है, जो कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड है मेन बोर्ड पे या फिर SME पे या ITP पे, ठीक है। अब देखो, अब आपको कैसे लर्न करना है, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, ठीक है। अब देखो, नॉन कन्वर्टेबल है लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, मतलब NCR, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल बट रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, ठीक है। फिर आपको याद रखना परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, फिर आपको याद रखना परपेचुअल तो है लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल, मतलब देखो NCR मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉट कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल, ठीक है। फिर आपको याद रखना IDR, फिर आपको याद रखना सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, फिर आपको याद रखना सिक्योरिटी रिसिप्ट, ये हमने पढ़ा है उसमें। सिक्योरिटी रिसिप्ट कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं, हम ERC वाले में, जहां पे सिक्योरिटाइजेशन के बदले में सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू होती है, या फिर यूनिट्स इशू बाय द म्यूचुअल फंड या कोई भी अदर सिक्योरिटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो अगर मैं आपको लर्न कराऊं रेगुलेशन 3 क्या बोलता है, जिस कंपनी ने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्ट करा रखी या तो मेन बोर्ड SME या ITP पे, ठीक है, या फिर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल, IDR, सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसिप्ट, है ना, और यूनिट इशूड बाय म्यूचुअल फंड एंड एनी अदर सिक्योरिटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो ये रेगुलेशन 3 है। मतलब रेगुलेशन 3 क्या बताता है कि अगर आपने ये डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज लिस्ट करा रखी ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो आपके ऊपर LODR लगेगा, है ना। अब ऑडिट कमेटी अंडर LODR, ये रेगुलेशन 18, देखो रेगुलेशन 17 है बोर्ड कंपोजिशन, रेगुलेशन 18 क्या है, रेगुलेशन 18 है ऑडिट कमेटी, रेगुलेशन 19 NRC, रेगुलेशन 20 स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, और रेगुलेशन 21 रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, है ना। तो ये अपन पढ़ते हैं, ठीक है। हर कंपनी, एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट एंड क्वालिफाइड एंड एन इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी, मतलब वो क्वालिफाइड भी होनी चाहिए एंड इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट रखने के लिए हमारे को ऑब्वियसली बात है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होंगे। तो देखो, पहले तो आप समझो कि क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट, क्वालिफाइड मतलब क्या होने चाहिए, सारे मेंबर्स पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो ऑल दी मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट, ठीक है, और एक मेंबर के पास ऐसी एक्सपर्टीज होनी चाहिए जिसका नाम होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, मतलब ये नाम है सिर्फ, ठीक है, उसके पास बहुत तगड़ी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो हम कब मानते हैं कि एक बंदे के पास फिनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है, तो इस हम तब मानते हैं जब वो बंदे ने कुछ ऐसा काम किया है, जैसे मान लो CEO वाला, CFO वाला का, या फिर कोई अदर सीनियर ऑफिशियल विद फिनेंशियल ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर CEO रहा है, वो CFO रहा है, तो हम ये मानेंगे कि उसे फिनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है। तो देखो, क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट, क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, सारे मेंबर्स को एबल टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियली लिटरेट होनी चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट का क्या मतलब होता चाहिए, रीड एंड अंडरस्टैंड द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिफाइड मतलब सारे मेंबर्स फाइनेंशियली लिटरेट होनी चाहिए, जिसका मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक मेंबर के पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ क्वालिफाइड की डेफिनेशन। इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी का क्या मतलब है, देखो ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 2/3 जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर आपने सुपीरियर वोटिंग राइट के इक्विटी शेयर्स इशू करा रखे हैं, तो अगर आपके पास SR इक्विटी शेयर्स है, तो आपके पास सारे के सारे मेंबर्स द ऑडिट कमेटी शैल ओनली कंप्राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो क्वालिफाइड एंड द इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होनी चाहिए किसी भी लिस्टेड कंपनी के पास, है ना। क्वालिफाइड में सारे फिनेंशियली लिटरेट एंड वन शुड हैव फिनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, एटलीस्ट 2/3, अगर SR इक्विटी है तो सारे ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए ऑडिट कमेटी के अंदर, ठीक है। चेयरपर्सन हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट, तो चेयरपर्सन हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। और ये जो चेयरपर्सन है, ही शैल बी प्रेजेंट एट दी AGM टू आंसर दी शेयर होल्डर क्वेरीज, मतलब ये शेयर होल्डर्स की ही शैल मतलब कंपलसरी, वो कंपलसरी प्रेजेंट होना चाहिए एट द AGM टू आंसर दी शेयर होल्डर क्वेरीज, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी शैल एक्ट एज अ सेक्रेटरी टू द कमेटी, ऑब्वियसली बात है ना। ऑडिट कमेटी चाहे तो फिनेंस डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर फिनेंस या फिर हेड ऑफ द फिनेंस फंक्शन को
या फिर हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन को या कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टैचुटरी ऑडिटर को बुला सकती है. ऑडिट कमेटी में इट्स डिसीशन इनवाइट कर सकती है किसी डीएफ को, फिनेंस डायरेक्टर को, या फिर हेड ऑफ द फिनेंस फंक्शन को, हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टैचुटरी ऑडिटर टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी. ठीक है, है ना. लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा बुलाए, प्रोवाइडेड दैट द ओकेजनली द ऑडिट कमेटी में मीट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. अगर मैं बोलूँ क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट मतलब चेयरपर्सन क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. नॉर्मल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2/3 होने चाहिए, लेकिन अगर ऐसा इक्विटी शेयर है तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए. अब अपन चलते हैं मीटिंग ऑफ ऑडिट ऑडिट कमेटी. 4 मीटिंग होनी चाहिए, दो मीटिंग के बीच का गैप 180 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड नॉट मोर देन 120 डेज शैल लैप्स बिटवीन द टू मीटिंग्स. कोरम क्या होगा, कोरम होगा 2 मेंबर या फिर 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑडिट कमिटी, विच एवर इज ग्रेटर. ठीक है, या तो 2 मेंबर या 1/3, विच एवर इज ग्रेटर, बट देर शुड बी अ मिनिमम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ठीक है, तो अगर मैं सिंपल बोलूँ, इन 2 मेंबर्स को हम ये बोल देते हैं या तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी, है ना, मतलब 2 मेंबर्स या 1/3, विच एवर इज ग्रेटर. लेकिन इनमें भी 2 इंडिपेंडेंट होने ही होने चाहिए, बट देर शुड बी अ मिनिमम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अगर मैं रिवाइज कराऊं तो देखो 2 या 1/3, विच एवर इज ग्रेटर, बट देर शुड बी 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग. ठीक है, अब अपन चलते हैं पावर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी. ठीक है, तो वो कोई भी एक्टिविटी को, है ना, इन्वेस्टिगेट कर सकता है. टू इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी विद इन इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस. टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन डिफाइन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अभी हम जब सेक्शन 177 आएगा ना, तो हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस. तो ऑडिट कमेटी के पास पावर है कि वो कोई भी एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो कि बोर्ड ने उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिया है. तो इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी विद इन इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वो कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है, वो आउटसाइड एक्सपर्टीज ले सकता है, और वो किसी आउटसाइड बंदे की अटेंडेंस को सिक्योर कर सकता है. टू सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ द आउटसाइडर्स विद रेलेवेंट एक्सपर्टीज, है ना, आउटसाइड लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस ले सकता है, वो सीट इन्फॉर्मेशन ले सकता है. देखो, अंदर वालों से भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, बाहर से वालों से भी एक्सपर्टीज ले सकता है. ठीक है, ऑप्टेन आउटसाइड लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस, और वो अटेंडेंस बुलवा सकता है किसकी, जो बंदे रेलेवेंट एक्सपर्टीज की है. जैसे मान लो मुझे इंडियस की नॉलेज है, तो वो मुझे बुला सकता है. ठीक है, एग्जांपल ले लो, है ना. तो टू सेट आउट अटेंडेंस ऑफ द आउटसाइडर विद द रेलेवेंट एक्सपर्टीज, तो ऑडिट कमेटी बुला सकता है. तो ये पावर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी है. अब अपन आते हैं रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी. देखो, जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कहा दी होती है शेड्यूल्स में, और जो सब्सटैंटिव प्रोविजन कहा दिए होते हैं रेगुलेशंस में, है ना. तो अब ये जो रोल ऑफ ऑडिट कमेटी है, बेसिकली ये क्या है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट. तो ये कहा दे रखा है पार्ट सी ए ऑफ द शेड्यूल टू में रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी दे रखा है. तो अब हम इस आंसर को एक फ्लो में लर्न करेंगे. सबसे पहले ऑडिट कमेटी क्या करता है, ओवरसाइट लेता है ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. तो वो ओवरसाइट देता है, मतलब देखो वो हर समय नजर रखता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है, अब अपन पॉइंट्स लर्न करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्टैचुटरी ऑडिटर. तो वो टार, मतलब जिसे बोलते हैं टर्म्स अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन, अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट डिफाइन करता है किसकी, स्टैचुटरी ऑडिटर्स की, है ना, मतलब रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स. ठीक है, ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. ठीक है, अगर मान लो उसको ऑडिट के अलावा कोई फीस जाती है, तो उसकी वो, मतलब अगर स्टैचुटरी ऑडिटर को कोई ऑडिट के अलावा कोई फीस जाता है, उसकी अप्रूवल करता है, अप्रूवल ऑफ पेमेंट टू स्टैचुटरी ऑडिटर्स फॉर एनी अदर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द स्टैचुटरी ऑडिटर. अब अपन चलते हैं कि वो क्या करता है, वो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को रिव्यू करता है एंड मॉनिटर करता है. ठीक है, एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस को भी देखता है. तो वो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस को भी चेक करता है ना, और वो मैनेजमेंट के साथ बैठ के परफॉर्मेंस ऑफ द स्टैचुटरी एंड इंटरनल ऑडिटर्स को रिव्यू करता है एंड एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. मतलब स्टैचुटरी ऑडिटर का टर्म्स अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन, कोई अगर उसके ऑडिट के अलावा पेमेंट की अप्रूवल देता है, फिर हमारे साथ वो, मतलब उसकी ऑडिटर की इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, और वो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस को इवैल्यूएट करता है एंड परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है एंड एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करता है. और जब ऑडिट शुरू होता है, तो वो डिस्कशन करता है स्टैचुटरी ऑडिटर के साथ बिफोर द ऑडिट कमेंसेस, ठीक है, अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट एज वेल एज द पोस्ट ऑडिट डिस्कशन टू असर्टेन एनी एरिया ऑफ कंसर्न. तो मतलब बेसिकली वो क्या है, ऑडिट से पहले भी डिस्कशन करता है, ऑडिट से पहले क्या करता है, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट डिसाइड करता है पोस्ट ऑडिट में कि कोई दिक्कत तो नहीं है, एनी एरिया ऑफ कंसर्न तो नहीं है. अब ये तो पॉइंट हुआ है हमारे किससे रिलेटेड, स्टैचुटरी ऑडिटर से रिलेटेड. ठीक है, फिर वो इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ क्या करता है, वो रिव्यू, ऑडिट कमेटी ये रिव्यू करती है कि क्या जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, क्या वो एडिक्वेट है, एंड वो रिव्यू करता है द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. ठीक है, तो रिव्यू द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. ठीक है, तो
मतलब वो क्या देखता है कि क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन हमारा एडिक्वेट है या नहीं करता है, और मतलब है ना, और वो डिस्कशन करता है विद द इंटरनल ऑडिट ऑफ एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड दी फॉलो अप करता है, ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को डिस्कस करता है ना। और अब देखो वो क्या करता है, मतलब सिंपल सी बात है, स्टैचुटरी ऑडिटर से रिलेटेड पॉइंट एंड इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड पॉइंट। स्टैचुटरी ऑडिट में टर्म्स, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, ठीक है, फिर हमारा क्या हुआ, ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है, इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस को रिव्यू करता है, परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है, फिर ऑडिट खत्म होने से पहले भी, ऑडिट खत्म होने के बाद भी, ठीक है, दोनों टाइम पे डिस्कशन करता है। ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं अब हमारे नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। अब वो क्या करता है, अब वो मैनेजमेंट के साथ कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करता है, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया पहले तीन पॉइंट। वो मैनेजमेंट के साथ बैठ के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है और साथ में ऑडिटर की रिपोर्ट भी देखता है बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड, मतलब बोर्ड को सबमिट करने से पहले ऑडिट कमेटी रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वो मैनेजमेंट के साथ बैठ के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देखता है बोर्ड को सबमिट करने से पहले। लेकिन इसमें देखता क्या क्या है, वो ये देखता है कि क्या डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में जो जो मैटर्स आने थे क्या वो आए हैं एज पर सेक्शन 134। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में या प्रैक्टिस में कोई चेंज हुआ है, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में कोई चेंज हुआ है तो वो क्यों हुआ है एंड रीजन फॉर द सेम, चेंजेस इफ एनी इन द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस एंड रीजंस फॉर द सेम। अगर कोई मेजर अकाउंटिंग एंट्री, देखो अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एंट्रीज जिसमें एस्टीमेट होता है, देखो अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टीमेट, इन्हें रिव्यू करता है ना, जिनमें एस्टीमेट इन्वॉल्व है, जिसमें एस्टीमेट इन्वॉल्व है और जिसमें जजमेंट किसने लिए, मैनेजमेंट ने, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी को रिव्यू करता है, अकाउंटिंग एस्टीमेट। अगर कोई चेंज तो नहीं हुआ अकाउंटिंग पॉलिसीज में, कोई ऐसी एंट्री जिसमें अकाउंटिंग एस्टीमेट इन्वॉल्व है और वो जजमेंट किसका है, मैनेजमेंट का है, ठीक है, या फिर कोई ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन की वजह से कोई सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट हुई है मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अराइजिंग आउट ऑफ द ऑडिट फाइंडिंग, ठीक है, और वो चेक करता है कि क्या हम कंप्लाई कर रहे हैं लिस्टिंग एंड द अदर लीगल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर हमने डिस्क्लोजर किया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का, ठीक है। अब देखो वो क्या चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो क्या क्या चेक करता है ना, कि भाई क्या मतलब डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है, फिर हमारा क्या अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट, कोई सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट हुई हो, सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट, और क्या हमने कंप्लाई किया है विद एनी अदर लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना, और फिर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का क्या हमने डिस्क्लोजर दिया है, ठीक है। अब हमने ऑडिटर्स रिपोर्ट भी रिव्यू करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो क्या कोई मॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं है इन द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है रिव्यू ऑडिट कमेटी रिव्यू करती है विद मैनेजमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सबमिट करती है, मतलब रिव्यू करती है सॉरी, तो वो ऑडिट कमेटी नॉर्मली रिव्यूज द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड फॉर द अप्रूवल, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, क्या क्या रिव्यू करती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, रिव्यू करती है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड, है ना। और फिर छठा पॉइंट आता है कि रिव्यू करती है मैनेजमेंट के साथ बैठ के स्टेटमेंट ऑफ द यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है, कि जो पैसा यूज हुआ है, मतलब उसका एक क्वार्टरली स्टेटमेंट भी जाती है और एक एनुअल स्टेटमेंट भी जाती है, तो वो दोनों रिव्यू करती है, ठीक है ना। अब मतलब जो फंड्स रेज हुए थे किसके थ्रू, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू, तो क्या उनका जो पैसा मतलब जो फंड्स यूटिलाइज हुए, स्टेटमेंट ऑफ फंड्स यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन दो स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब कौन से ऐसे फंड है जो अदर देन दो स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब अदर देन फॉर द पर्पस फॉर इट वाज रेज्ड, वो यूटिलाइज हुए हैं, तो वो रिव्यू करता है विद द मैनेजमेंट, ठीक है, और वो रिपोर्ट भी रिव्यू करता है जो कि मॉनिटरिंग एजेंसी सबमिट करती है, मॉनिटरिंग जो मॉनिटर करती है यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोसीड्स, मतलब देखो मॉनिटरिंग एजेंसी क्या करती है, बेसिकली इट विल मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोसीड्स। तो अगर मैं सिंपल बोलूं तो देखो मैनेजमेंट के साथ साथ बैठे रिलेटेड देखता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन यहां पे ऑडिटर रिपोर्ट नहीं आती, यहां पे एलआर रिपोर्ट आती है, ठीक है ना। और हमारा तीसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट के साथ बैठती वो स्टेटमेंट ऑफ यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स देखता है ना, और ये हमने पढ़ी लिया, और वो सारे ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है, अप्रूवल करता है ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वो स्क्रूटनी करता है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट की, वो वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और एसेट्स को अंडरटेक करता है, वैल्यूएशन ऑफ द अंडरटेकिंग और एसेट्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, वो इवैल्यूएट करता है फाइनेंशियल कंट्रोल्स को, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, ये हमने पढ़ी लिया है, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, वो इंटरनल ऑडिटर के साथ सिग्निफिकेंट फाइनेंस को डिस्कस करता है ना, वो कोई अगर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई है वो है ना, तो वो उसकी रिव्यू द फाइनेंस, मतलब वो फाइनेंस को रिव्यू करता है, ठीक है, अगर कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई हो वो किसने करी होगी, ऑब्वियसली बात है इंटरनल ऑडिटर से, तो ये भी इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड ही पॉइंट है, तो अगर कोई इंटरनल ऑडिटर ने कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई फाइंडिंग निकाली है तो वो उसे भी चेक करता है ना।
अगर कोई रीजंस को वो ढूंढता है कि भाई क्यों डिफॉल्ट हो रहा है इन द पेमेंट टू द डिपॉजिट होल्डर्स, DDD मतलब डिपॉजिट होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड डिक्लेयर डिविडेंड, है ना, तो DDD है ना, तो अगर इनके डिफॉल्ट में क्यों हो रहा है, ठीक है। अब वो देखता है कि क्या विसल ब्लोअर मैकेनिज्म चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, और वो अप्रूवल करता है ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ CFO। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑडिट कमेटी विल रिव्यू द यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स एडवांसेस इन्वेस्टमेंट LAI, लोन्स एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय होल्डिंग कंपनी टू द सब्सिडरी कंपनी ऑफ एन अमाउंट, कितने अमाउंट का होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन्स एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट दे रहा है, कितने अमाउंट का, है ना, या तो 100 करोड़ या फिर 10% ऑफ द एसेट साइज ऑफ द सब्सिडरी, विच एवर इज लोअर, मतलब मैं 100 करोड़ या 10% ऑफ द एसेट साइज ऑफ द सब्सिडरी का अगर मैं लोन्स दे रहा हूँ, एडवांस दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑडिट कमेटी की कि ऑडिट कमेटी विल रिव्यू द यूटिलाइजेशन दैट हैज बिन डन बाय द सब्सिडरी। तो अगर सब्सिडरी उसे कैसे यूटिलाइज कर दी है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट कमेटी। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है। अब आता है रेजिग्नेशन ऑफ स्टैचुटरी ऑडिटर का प्रोविजन। तो ये बोलता है कि कोई भी लिस्टेड एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर वो बताएगी कि अगर उसके कोई ऑडिटर रिजाइन करता है तो लिस्टेड एंटिटी हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू इंटीमेट टू द स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एज सून एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच रीजन फ्रॉम द ऑडिटर। तो वो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर बताना है ना। ऑब्वियसली बात है, जब जब AGM में अपॉइंटमेंट होगा या री अपॉइंटमेंट होगा ऑफ द ऑडिटर, तो उसके पहले रेगुलेशन 36(5) क्या करती है, सर्टेन डिस्क्लोजर्स रिक्वायर करती है जो कि नोटिस का पार्ट होने चाहिए, है ना, जब जब ऑडिटर को अपॉइंट करना है या रीअपॉइंट करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, लेकिन आपको ये समझना है कि स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स ऑफ द ऑडिटर्स रेजिग्नेशन, और अपॉइंटमेंट होने से पहले वो मैटर्स भी नोटिस का पार्ट बनने चाहिए जो रेगुलेशन रिक्वायर करती है, ठीक है। मतलब अब ये वाला पॉइंट है। अब देखो ये क्या फंडा, ये बड़ा सिंपल सा फंडा। अगर मान लो देखो एक क्वार्टर का ऑडिट, मतलब जैसे मान लो लिमिटेड रिव्यू क्या होता है, जैसे मान लो एक क्वार्टर का ऑडिट लिस्टेड कंपनीज के केस में, क्वार्टर वन का ऑडिट जैसे मान लो Q1 है, तो अप्रैल टू जून, ठीक है, अप्रैल टू जून का ऑडिट कितने दिन में होना चाहिए, विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द जून। तो अगर मान लो कोई ऑडिटर रेजिग्नेशन देता है आफ्टर 40, मतलब बिटवीन, मतलब बिफोर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, इफ द ऑडिटर रिजाइंस विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, तो ऑब्वियसली बात है अगर वो जून के 45 डेज, मतलब जून से जून पूरा और जुलाई, मतलब अप्रैल मई जून ये क्वार्टर है, जुलाई और मतलब जुलाई और अगस्त, तो 15 अगस्त ड्यू डेट है LR1 की रिपोर्ट देने की, ठीक है। तो अगर वो 15 अगस्त से पहले पहले रिजाइन करता है तो ऑब्वियसली बात है उसे जून क्वार्टर को ऑडिट करना पड़ेगा। बिफोर सच रेजिग्नेशन इशूड द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर सच क्वार्टर, मतलब उसे अप्रैल टू जून क्वार्टर की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन वो अगर आफ्टर 15 डेज, मतलब अगर मान लो वो 16 अगस्त को रिजाइन करता है, ठीक है, 15 अगस्त नहीं 16 अगस्त, मतलब या फिर मान लो 20th अगस्त को रिजाइन करता है, तो आफ्टर 45 डेज हो गया, तो आप उसे अप्रैल टू जून तो देना ही देना पड़ेगा, साथ साथ में जुलाई टू सितंबर की भी ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इश्यू द LR फॉर सच क्वार्टर एज वेल एज द नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब उसे अप्रैल टू जून एज वेल एज जुलाई टू सितंबर देना पड़ेगा। और अगर कोई ऑडिटर 3 LR कर देता है, 3 क्वार्टर के LR कर देता है, तो ऑब्वियसली बात है जो लास्ट LR होगा या और लास्ट LR बिफोर सच रेजिग्नेशन इश्यू द LR फॉर द लास्ट क्वार्टर, और ऑब्वियसली बात है लास्ट क्वार्टर में ऑडिट रिपोर्ट भी जाती है, तो उसे ऑडिट रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। मतलब ये फिनेंशियल ईयर का ऑडिट होता ना, अब क्योंकि अब लास्ट क्वार्टर मतलब फिनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो उसे ऑडिट रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। तो ये फंडा है आपको, ठीक है। अब आप समझो कि अगर मान लो ऑडिटर को कोई डेटा नहीं मिल रहा, तो अब LODR ने बताया कि अब ऑडिटर को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। ऑडिटर को सबसे पहले ऑडिट कमेटी को तो रिपोर्टिंग ऑफ कंसर्न्स है ना टू द ऑडिट कमेटी, है ना, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी और इट्स मटेरियल सब्सिडरी। अब मटेरियल सब्सिडरी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आएगी रेगुलेशन 16 के थ्रू। रेगुलेशन 16 ये क्या बोलता है, अगर कोई भी सब्सिडरी की इनकम या फिर नेटवर्थ एक्सीड हो जाती है 10% ऑफ द इनकम या फिर नेटवर्थ ऑफ द कंसोलिडेटेड एंटिटी, तो वो मटेरियल सब्सिडरी है, है ना, ये फंडा है। तो लिस्टेड एंटिटी और मटेरियल सब्सिडरी को, मतलब ऑडिटर को अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कंसर्न है, रिपोर्टिंग ऑफ कंसर्न टू द ऑडिट कमेटी, तो अब ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि दैट इट विल रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी अगर कोई कंसर्न है ना इन रिगार्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी और मटेरियल सब्सिडरी, कि जैसे ही कि वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे या वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, है ना, जो कि ऑडिट प्रोसेस को हैम्पर कर रहा है, तो ऑडिटर की ये ड्यूटी है, द ऑडिटर शैल अप्रोच द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी। चेयरमैन कौन होता है इसमें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, क्योंकि तभी वर्ड यूज हुआ है क्वालिफाइड एंड द इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी,
ठीक है, तो चेयरमैन के पास चला जाएगा एंड द ऑडिट कमिटी शैल रिसीव सच कंसर्न डायरेक्टली एंड मतलब सीधा मतलब चेयरमैन के पास चला जाएगा ये मैटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ऑडिटर सीधा चला जाएगा ऑडिट कमिटी के पास अगर कोई उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, नॉन अवेलेबिलिटी या नॉन कॉपरेशन है, ठीक है। अगर ऑडिटर इस वजह से रिजाइन करना चाह रहा है, इस ऊपर वाली रीजन की वजह से, ठीक है ना, तो वो सारे कंसर्न्स बताएगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोज रेजिग्नेशन, जैसे उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, अलॉन्ग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, और वो ऑडिट कमिटी के सामने ले डाउन करेगा, ठीक है। इफ प्रपोज रेजिग्नेशन इज ड्यू टू द नॉन रिसेप्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, द ऑडिटर शैल इन्फॉर्म द ऑडिट कमिटी ऑफ द डिटेल्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन सॉट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर दी बाय द मैनेजमेंट। मतलब अगर मान लो उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो ये भी बताएगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मांगी थी और कौन सी मतलब क्यों नहीं मिली, मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन मांगी थी एंड कौन सी नहीं मिली हमें, ठीक है। तो ये हमारा फंडा हो गया। अब ऑडिट कमेटी के पास जब ये रेजिग्नेशन वाला लेटर आया जिसमें ये बताया कि कंसर्न्स बताया क्या क्या, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉन कॉपरेशन बाय दी मैनेजमेंट, तो ऑडिट कमेटी क्या करेगा, शैल डेलीबरेट ऑन द सेम एंड कम्युनिकेट इट्स व्यूज टू द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर, ठीक है। तो वो अपने व्यूज़ किसे बता देगा, मैनेजमेंट को भी बता देगा और ऑडिटर को भी बता देगा कि भाई कौन सही है, ठीक है। तो अब देखो अगर मान लो कि ऑडिटर को इस रिक्वायरमेंट की वजह से लास्ट क्वार्टर का ऑडिट करना पड़ जाता है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आई ना कि अगर ऑडिटर क्वार्टर का ऑडिट कर देता है तो उसे लास्ट क्वार्टर का भी ऑडिट करना है, तो ऑब्वियसली बात है। अब लेकिन अगर उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो क्या देगा, डिस्क्लेमर दे देगा, ठीक है। डिस्क्लेमर इन केस ऑफ नॉन रिसेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब मान लो अगर उसे लॉ के कंप्लायंस की वजह से ऑडिट करना पड़ा लेकिन उसे इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली तो ही विल इशू अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। अब देखो अब प्रैक्टिस इन कंपनी सेक्रेटरी क्या चेक करेगा, ऊपर वाले प्रोविजंस का कंप्लायंस चेक करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इट विल चेक द कंप्लायंस कि ऑडिटर का रेजिग्नेशन इसी हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो लिस्टेड एंटिटी क्या ऑब्लिगेशन है इन रिलेशन टू रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, बड़ी सिंपल सी बात है, उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में फॉर्मेट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टैचुटरी ऑडिटर अपॉन रेजिग्नेशन, उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में रेजिग्नेशन लेटर मिलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब लिस्टेड एंटिटी है क्या ऑब्लिगेशन है, तो ऑब्वियसली बात है जो रेजिग्नेशन लेटर मिला उसे स्टॉक एक्सचेंज को देना विद इन 24 आवर्स, ये एंटिटी का ऑब्लिगेशन है। तो देने के लिए पहले इन्हें रिसीव भी तो करना पड़ेगा, तो फॉर्मेट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन फ्रॉम इट स्टैचुटरी ऑडिटर अपॉन रेजिग्नेशन, तो ये एक फॉर्मेट बनाएगी जिसमें वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगी फ्रॉम द स्टैचुटरी ऑडिटर। ऑब्वियसली बात है इन्हें कॉपरेट करना चाहिए विद द ऑडिटर्स, कॉपरेशन बाय द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटीरियल सब्सिडरी, ऑब्वियसली बात है इन्हें कॉपरेट करना चाहिए विद द ऑडिटर्स, एंड ऑब्वियसली बात है जब वो स्टॉक एक्सचेंज को जब ऑडिटर के या रेजिग्नेशन भेजेगी तो वो साथ में क्या भेजेगी, डिस्क्लोजर ऑफ द ऑडिट कमिटीज व्यूज टू द ऑडिट एक्सचेंज, जो यहाँ पे था ना ऑडिट कमिटी विल डेलीबरेट ऑन द मैटर, ठीक है। तो वो अब ऑडिट कमिटी के डिस्क्लोजर ऑफ द ऑडिट कमिटीज व्यूज टू द स्टॉक एक्सचेंज, तो वो मतलब देखो सिंपल सी बात क्या है, वो फॉर्मेट बताएगी जिस फॉर्मेट में स्टैचुटरी ऑडिटर को देना है रिप्लाई, ठीक है, और फिर वो कॉपरेट करेगी उनके साथ और वो डिस्क्लोजर ऑफ ऑडिट कमिटी व्यू टू द स्टॉक एक्सचेंज, तो 24 घंटे अंदर बताना पड़ता है, ठीक है। अब ये वाले जो अभी हमने प्रोविजंस पढ़े, इट विल नॉट अप्लाई इफ द ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141, तो मतलब ऊपर वाले प्रोविजन तभी लगेंगे जब रेजिग्नेशन हो रहा है, अगर वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफाई हो रहा है तो ऊपर वाले प्रोविजंस नहीं लगेंगे। अब अपन चलते हैं ऑडिट कमेटी एज पर सेक्शन 177, अभी हमने जो पढ़ा था वो था ऑडिट कमेटी एज पर रेगुलेशन 18 ऑफ द सेबी एलओडीआर, अब अपन जो पढ़ेंगे वो है सेक्शन 177। तो सेक्शन 177 क्या बोलता है, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को या फिर अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 करोड़, या फिर और कोई पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 करोड़ है, या कोई पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग एलडीडी लोन्स डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स एक्सीडिंग मतलब ग्रेटर देन 50 करोड़ है, मतलब यहां पे ग्रेटर देन है, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो 10, 100 और 50, 10, 50, 100, ठीक है। अब लेकिन अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, सिर्फ ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर जेवी है तो ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, ये एग्जम्पशन किसके लिए, सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। तो अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर जेवी है या फिर होली ओन सब्सिडरी है या डॉर्मेंट कंपनी है तो उसे ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लो ये लिस्टेड होती, अगर जेवी है, होली ओन सब्सिडरी है या डॉर्मेंट कंपनी लिस्टेड है, देन इट विल हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 177। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जेवी है, डब्ल्यूओएस है या डॉर्मेंट कंपनी है, देन इट नीड नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177। तो देखो हमें क्या
क्राइटेरिया देखना था, पेड अप कैपिटल, टर्न ओवर एंड आउटस्टैंडिंग एलडीडी. तो ये कब देखना है? पिछले साल का देखना है, ऑन द डेट ऑफ द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, 139.11 क्या बोलता है? 139.11 ये बोलता है ऑडिट कमेटी जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे ऑडिटर का, इंक्लूडिंग द फिलिंग ऑफ अ कैजुअल वैकेंसी, मतलब जब जब अपॉइंटमेंट होगा ऑडिटर का, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी ही क्यों ना हो, तो मतलब रिकमेंडेशन देगी कौन? ऑडिट कमेटी टू द ऑडिट कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी. ठीक है, प्रोवाइड दैट वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, ऑल द अपॉइंटमेंट है ना शैल बी मेड आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमेटी. मतलब देखो सिंपल सी बात है, ऑडिट कमेटी विल रेकमेंड है ना एज पर सेक्शन 139.11. अब देखो ऑडिट कमेटी में एज पर सेक्शन 177 भी तीन डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजोरिटी में होने चाहिए. एज पर रेगुलेशन 18 क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2/3. यहाँ पे क्या है? मेजोरिटी, तो मतलब ग्रेटर देन 50%. यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 50%, 50% से ज्यादा. वहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3 है ना एज पर रेगुलेशन 18. तो यहाँ पे मेजोरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए है ना, एंड मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो यहाँ पे वहाँ पे क्या था? सारे मेंबर्स ही रीड एंड एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड होनी चाहिए थी, और एक के पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज होनी चाहिए थी. तो ये फर्क है बेसिकली रेगुलेशन 18 में और सेक्शन 177. रेगुलेशन 18 में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50% मतलब मेजोरिटी, और यहाँ पे क्या था? ऑल था, ऑल फाइनेंशियली लिटरेट होनी चाहिए और एट के पास मैनेजमेंट एक्सपर्टीज होनी चाहिए. यहाँ पे क्या था? मेजोरिटी फाइनेंशियली लिटरेट होनी चाहिए. ठीक है, अब देखो ऑडिट कमेटी ये फंक्शन क्या क्या है? ये सेम है जो हमने रोल ऑफ ऑडिट कमेटी पढ़ा था शेड्यूल 2 का पार्ट सी ए. ठीक है, तो वही वाली ऑडिट कमेटी का ये हमारा क्या बोलते हैं, मतलब ऑडिट कमेटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड. इसमें वो क्या क्या बताया होगा, मतलब ऑडिट कमेटी के क्या क्या फंक्शंस है? तो ऑब्वियसली बात है ट्रा, मतलब टर्म्स, मतलब क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड अपॉइंटमेंट, इनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर का. ठीक है, तो रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स. ठीक है, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस को असेस करेगा. ठीक है, इफेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट. वहां पे क्या था? रिव्यू विद द मैनेजमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट. यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट. ठीक है, वो अप्रूव करेगा कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. ठीक है, अगर ऑडिट कमेटी चाहे तो वो ऑमनीबस अप्रूवल भी दे सकता है. देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि हर एक ट्रांजेक्शन का अप्रूवल होगा, तो ऑब्वियसली बात है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिट कमेटी टू अप्रूव ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. तो एक वो एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे देता है जिसे बोला जाता है ऑमनीबस अप्रूवल. ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन अदर देन अंडर सेक्शन 188, मतलब ट्रांजेक्शन कौन से वाला जो अदर देन सेक्शन 188 वाला है, मतलब देखो सेक्शन 188 तो बोलता है ऑडिट कमेटी की अप्रूवल चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो उन वाले केसेस में तो हमेशा अप्रूवल चाहिए ही चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऑडिट कमेटी की अप्रूवल चाहिए होती है नॉर्मली, तो ठीक है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, चाहे वो 188 में कवर हो या ना हो. ठीक है, लेकिन देखो आरपीटी में हमेशा अप्रूवल चाहिए, चाहे वो 188 में कवर हो या ना हो. ठीक है, तो हमेशा चाहिए. लेकिन अगर वो 188 के अलावा वाला ट्रांजेक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ऑडिट कमेटी अब अप्रूव नहीं कर रहा, ठीक है, तो देखो अगर 188 में अप्रूव ना करे ना, तो वो ट्रांजेक्शन ही नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन अगर 188 के अलावा वाला ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो अब वो ट्रांजेक्शन तो हो सकता है, लेकिन ऑडिट कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी किसे? बोर्ड को. वेयर द ट्रांजेक्शन अदर देन ट्रांजेक्शन रेफर टू इन सेक्शन 188, वेयर द ऑडिट कमेटी डज नॉट अप्रूव द ट्रांजेक्शन, जहां पे वो अप्रूव नहीं करती. अगर देखो 188 में अप्रूव नहीं करती, तो वो ट्रांजेक्शन ही नहीं हो सकता. लेकिन अगर अदर देन 188 में अप्रूव नहीं करती, तो वो ट्रांजेक्शन तो हो सकता है, लेकिन ऑडिट कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी टू द बोर्ड. ठीक है, वेयर द ऑडिट कमेटी डज नॉट अप्रूव द ट्रांजेक्शन, इट शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन टू द बोर्ड. ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है. अगर 188 वाला है, तो वो बिना ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के साथ ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता. अदर देन 188 है तो वो हो सकता है, लेकिन ऑडिट कमेटी विल रिकमेंड इट्स ऑब्जर्वेशन टू द बोर्ड. ठीक है, और जहां पे ऑमनीबस अप्रूवल जो नॉर्मली होता है ना, वो 1 करोड़ तक का हो सकता है. तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे डायरेक्टर या ऑफिसर ट्रांजेक्शन करते हैं ऑफ एन अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू वन करोड़ फॉर एन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, जो कौन कर रहा है? डायरेक्टर या ऑफिसर कर रहा है, जिसमें अप्रूवल नहीं ली गई है ऑफ द ऑडिट कमेटी. ठीक है, और ऑडिट कमेटी इसे रेटिफाई भी नहीं करती. ठीक है, तो मैंने बोला ना अदर देन 188 में ऑडिट कमेटी की अप्रूवल अगर ना दे, तो ऑडिट कमेटी विल रेकमेंड टू द बोर्ड. ठीक है, तो अगर मान लो कि विदाउट ऑप्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी कोई डायरेक्टर ट्रांजेक्शन करता है जिसका अमाउंट 1 करोड़ से नीचे है, और इस ट्रांजेक्शन को ऑडिट कमेटी रेटिफाई भी नहीं करती विद इन 3 months ऑफ द ट्रांजेक्शन वुड बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी. इट विल बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी. तो ऑडिट कमेटी चाहे तो इसे
कैंसिल कर सकती है। और अगर ये ट्रांजेक्शन किसी रिलेटेड पार्टी ये ट्रांज एंड इफ द ट्रांजेक्शन इज विद द रिलेटेड पार्टी तो डायरेक्टर विल इंडेमनीफाई द कंपनी। देखो अगर वो रिलेटेड पार्टी के साथ नहीं है तो भाई वो उसे वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकती है ना। अगर वो रिलेटेड पार्टी के साथ है तो डायरेक्टर कंसर्न विल इंडेमनीफाई। तो मतलब अगर देखो तो अगर 1 करोड़ तक का अमाउंट है जो कि डायरेक्टर या ऑफिसर विदाउट अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना एंड इट इज नॉट रेटिफाइड बाय द ऑडिट कमिटी विद इन 3 मंथ्स तो वो क्या होगा, ट्रांजेक्शन वॉइडेबल बन जाएगा। और अगर वो ट्रांजेक्शन किसी रिलेटेड पार्टी के साथ है तो डायरेक्टर कंसर्न शैल इंडेमनीफाई द कंपनी। है ना, ऑडिट कमेटी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करेगी, वो वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स और एसेट्स ऑफ द कंपनी को रिव्यू करेगी, वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करेगी और वो एंड यूज ऑफ फंड्स को चेक करेगी। तो ये हमारा पॉइंट होता है। द ऑडिट कमेटी सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, ऑडिट कमेटी चाहे तो वो कमेंट्स मंगा सकती है ऑडिटर्स के एंड दी ऑडिटर्स के कमेंट मंगा सकती है अबाउट द इंटरनल अबाउट देयर व्यूज अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देयर स्कोप ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट द ऑन द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो मतलब क्या क्या मंगा सकता है, द ऑडिटर मे कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देयर स्कोप ऑफ ऑडिट एंड देयर ऑब्जर्वेशन विद रिगार्ड टू द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एंड मे ऑल्सो discuss any related issues with the internal and statutory auditors. तो अगर मैं बोलूँ सबसे सिंपल 177 subsection 5 बोलता है audit committee चाहे तो वो views मंगा सकती है इसके auditors के on about the internal control system, the scope of the audit, including the observation of the auditors and the review of the financial statements. ठीक है, audit committee के पास ये power है, shall have the authority to investigate, है ना तो वो कोई भी items, मतलब audit committee shall have the authority to investigate any matters of the items referred to in subsection 4, जो कि ये आइटम्स थे, तो इनके रेफरेंस में, मतलब जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द ऑडिट कमिटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो अगर वो चाहे तो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोर्ड ने उन्हें डिफाइन किया है तो उसके लिए वो कोई इन्वेस्टिगेशन भी बैठा सकती है। द अथॉरिटी शैल हैव अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर, ठीक है, रेफर्ड टू इट बाय द बोर्ड, और वो उसके लिए प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं द ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी एंड द टीएमपी। टीएमपी उनके पास राइट टू बी हर्ड है, राइट टू बी हर्ड, तो मतलब वो क्या है, राइट टू वोट नहीं है, राइट टू बी हर्ड है एट द मीटिंग जहां पे ऑडिट कमेटी कंसीडर कर रही है द ऑडिटर्स रिपोर्ट, बट दे शैल नॉट हैव द राइट टू वोट। उनके पास राइट टू बी हर्ड है, किन किन के पास, ऑडिटर्स एंड द टीएमपी के पास, दे हैव द राइट टू बी हर्ड बट नॉट द राइट टू बी वोट, राइट टू वोट, है ना। तो अब देखो ये सिंपल सी बात है, जब बोर्ड रिपोर्ट 134(3) में देंगे हम तो बोर्ड रिपोर्ट को कंपोजिशन ऑफ एन ऑडिट कमेटी के बारे में बताना है और उसे ये भी बताना है अगर कोई ऑडिट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी जो कि बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं करी, है ना, अगर कोई भी रिकमेंडेशन जो ऑडिट कमेटी ने बोर्ड को दी थी एंड द बोर्ड हैज नॉट एक्सेप्टेड, है ना तो बोर्ड हैड नॉट एक्सेप्टेड उसके बारे में, ठीक है, वो रीजंस बताएगी कि बोर्ड बताएगा कि हमने क्यों एक्सेप्ट नहीं करी। ठीक है, तो हर लिस्टेड कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक विजिल मैकेनिज्म का मैथड बनाए जिसके थ्रू डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज रिपोर्ट कर सके जेन्युइन कंसर्न्स। ठीक है, तो ये हमारा फंड है। और सबसेक्शन 10 ये बोलता है कि विजिल मैकेनिज्म एडिक्वेट सेफ गार्ड देगा अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन हु हैज यूज्ड सच मैकेनिज्म, और वो प्रोविजन करेगा, मतलब डायरेक्ट एक्सेस करेगा टू द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी। मतलब देखो सिंपल सी बात है, वो एडिक्वेट सेफ गार्ड करेगा कि उन बंदों का विक्टिमाइजेशन ना हो जिन बंदों ने ये रिपोर्ट दी है, मतलब जिन्होंने कोई मतलब विसल ब्लोअर मैकेनिज्म का यूज किया है। ठीक है, एंड प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी। ठीक है, अब हमारा की विजिल मैकेनिज्म की जो चीजें हैं ये हमें वेबसाइट में भी बतानी है, ठीक है, एंड बोर्ड रिपोर्ट में भी बतानी है। अब कौन कौन सी मैंडेटरी रिव्यू एरियाज है जो कि ऑडिट कमेटी को मैंडेटरी रिव्यू करने हैं, तो सिंपल सी बात है, हम याद करते हैं इसे इंटरनल ऑडिट से। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट से हमारा जो जैसे चीफ इंटरनल ऑडिटर का ट्रा, मतलब टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन एंड रिमूवल एंड अपॉइंटमेंट, सॉरी देखो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन रिमूवल, यहाँ पे एक नया पॉइंट क्या है, रिमूवल एंड अपॉइंटमेंट, किसका, चीफ इंटरनल ऑडिटर का, तो ये मैंडेटरी रिव्यू एरिया है। तो द अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ द चीफ इंटरनल ऑडिटर शैल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द ऑडिट कमेटी। ठीक है, अब देखो इंटरनल ऑडिटर क्या बताएगा, इंटरनल कंट्रोल में वीटनेसेस, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी जो कंट्रोल टेस्टिंग करता है तो वो लेटर ऑफ वीटनेस देता है। तो ऑडिट कमेटी की ये जरूर इंपॉर्टेंस है कि वो रिव्यू करे इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द इंटरनल कंट्रोल वीटनेस, और वो लेटर्स ऑफ वीटनेस जो भी स्टैचुटरी ऑडिटर देता है तो उन्हें भी रिव्यू करे, मैनेजमेंट लेटर्स और लेटर्स ऑफ वीटनेस इशूड बाय द स्टैचुटरी ऑडिटर। ठीक है, तो वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल वीटनेस के पॉइंट चेक करे या लेटर्स ऑफ वीटनेस जो भी स्टैचुटरी ऑडिटर ने चेक दिए वो चेक करे, और ट्रा देखे किसका, चीफ इंटरनल ऑडिटर का। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इसे स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन चेक करनी है। देखो दो स्टेटमेंट
ऑफ डेविएशन होती है, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन होती है, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन होती है. तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन ठीक है इंक्लूड इन द रिपोर्ट ऑफ द मॉनिटरिंग एजेंसी एंड एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द फंड यूटिलाइज फॉर द पर्पसेस अदर देन फॉर विच अदर देन फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर रेज्ड. मतलब देखो एनुअल स्टेटमेंट मतलब दो स्टेटमेंट बनती है तो वो दोनों रिव्यू करेगा, तो मतलब स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस को रिव्यू करेगा. अगर मैं सिंपल आपको बोलूँ तो रिलेटेड पार्टी की जो स्टेटमेंट को रिव्यू करेगा, तो स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ठीक है, और मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट को भी रिव्यू करेगा. तो एमडीए रिलेटेड पार्टी और डेविएशन स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस को रिव्यू करेगा ठीक है. अब हमें अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर को ये असर्टेन करना है क्या देख के मिनट बुट्स देख के ऑफ द ऑडिट कमेटी की क्या ऑडिट कमेटी ने ये मैंडेटरी रिव्यू एरियाज वाले एरिया उन्होंने मतलब रिव्यू किए हैं या नहीं किए. जैसे ट्रा ऑफ द चीफ इंटरनल ऑडिट लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल विटनेस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल विटनेस एंड फिर हमारा पॉइंट आता है स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस एम डी ए एंड स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमेटी एंड दी मतलब क्या रोल है ऑडिटर का इन द ऑडिट कमेटी. तो अब देखो इसमें हम सेक्शन 177 का भी रेफरेंस लाएंगे और रेगुलेशन 18(1)(f) का भी रेफरेंस लाएंगे. तो रेगुलेशन 18(1)(f) में हमने ये पढ़ा था कि ऑडिट कमेटी चाहे तो वो फिनेंस के डायरेक्टर को, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैचुटरी ऑडिटर को बुला सकता है. तो रेगुलेशन 18(1)(f) क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैचुटरी ऑडिटर शैल बी इनवाइटेड टू द मीटिंग्स ऑफ द कमेटी. और ऐसे ही सिमिलर बेसिस पे सेक्शन 177 क्या बोलता है कि हमारा क्या बोलते हैं ऑडिटर एंड KMP ठीक है उनका राइट टू बी हर्ड होगा एट द मीटिंग वेयर द ऑडिट कमेटी कंसिडर्स द ऑडिटर्स रिपोर्ट ठीक है. तो ये वाला पॉइंट भी मतलब इन दोनों जगह ऑडिट कमेटी चाहे तो ऑडिटर को ला सकती है. तो अब देखो इसमें क्या है रोल ऑफ द ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट कमेटी, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा. तो भाई देखो आपको पहले ये बताना सेक्शन जो लीगल प्रोविजन है रेगुलेशन 18(1)(f) एंड सेक्शन 177 इन दोनों में ऑडिट कमेटी ऑडिटर को बुला सकती है अपने पास ठीक है. और रेगुलेशन 18(1)(f) एंड सेक्शन 177 ठीक है. तो अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आराम से बातचीत करे, ही कम्युनिकेट्स फ्रिक्वेंटली एंड ओपनली विद द ऑडिट कमेटी अबाउट द की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इश्यूज ठीक है, जो कि ऑडिटर की नज़रों में जो कि हायर रोमम की मतलब दैट गिव राइज टू अ ग्रेटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब देखो ऑडिटर नॉर्मली डिस्कस करता रहे क्या की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इश्यूज जो कि हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जिनकी वजह से हायर रोमम बढ़ रहा है ठीक है. और ये रेस्पॉन्स मतलब ये ऑडिटर ये भी इंश्योर करे कि वो हर क्वेश्चन को एड्रेस करे जो कि ऑडिट कमेटी उनसे पूछती है. ही एड्रेसेस एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स वॉइस बाय द ऑडिट कमेटी. मतलब वो कोई भी क्वेश्चंस का जवाब दे पाए जो ऑडिट कमेटी उससे पूछना चाह रही है ठीक है. तो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो वो ऑडिट कमेटी या ध्यान खींचे ऑन दी की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इश्यूज जो कि हायर रोमम बना रहे हैं ठीक है, जिसकी वजह से हायर रोमम बढ़ रही है ठीक है. एंड वो कोई भी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ही एड्रेसेस एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स रेज बाय दी ऑडिट कमेटी ठीक है. ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन असिस्टिंग एंड एडवाइजिंग द ऑडिट कमेटी ठीक है. अब देखो ऑन इम्प्रूविंग, अब देखो अब वो ऑब्वियसली बात है ऑडिट कमेटी को हेल्प कर सकता है इन इम्प्रूविंग क्या क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अकाउंटिंग policies, practices, compliance with the accounting standard, accounting policies, practices, accounting standards. तो वो इन सब चीज़ों में help कर सकता है. क्या क्या, corporate governance में oversight of the financial reporting, compliance with accounting policies, compliance with accounting standards ठीक है, and strengthening of the internal control system. तो ये देखो ये चीज़ें help कर सकता है. मतलब मैं अगर आपको simple revise कर रहा हूँ, role of auditor, regulation 18(1)(f) section 177, इनमें auditor को बुला सकता है audit committee ठीक है. फिर auditor की responsibility होनी चाहिए कि वो की auditing और accounting issues सामने रखे audit committee ये जो कि higher romum बन रही है जिनकी वजह से, और वो उनके questions का answer भी करे. तो और audit committee वो help कर सकता है in relation to corporate governance, oversight of the financial reporting policies, compliance with the accounting policies and practices, compliance with the accounting standards and implementations of the internal control, implementation and strengthening the internal control system. मतलब सिर्फ strengthen कर सकते, implementation नहीं सिर्फ strengthen ठीक है. तो auditor's responsibility, auditor की क्या responsibility है इन रिलेशन टू LODR में जो वो सर्टिफिकेट देता है ना, मैंने आपको बताया था एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट कौन देता है, CEO एंड CFO एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट कौन देता है, या तो ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. तो जो अगर मान लो ऑडिटर देता है कंप्लायंस सर्टिफिकेट, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे सिर्फ ये चेक करना है कि मतलब उसका ये क्या है, ये कोई ऑडिट नहीं है, इट इज़ नीदर एन ऑडिट नॉर एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. क्या है ये सिर्फ वेरीफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन है ठीक है. तो द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन
certifying compliance है ना relates to the verification and certificate. सिर्फ वो verify करेगा and certify कर रहा है. It is neither an audit nor an opinion, expression of the opinion. ठीक है, such verification is neither an audit, ये नहीं audit है, नहीं ये expression of opinion है. तो ये क्या है, सिर्फ verification and certification है about the factual implementation of the requirements of the corporate governance. ठीक है, तो अब फिर हम ये बोलते हैं कि corporate मतलब auditor, auditor की जो वो verification and certification है, it is neither an assurance as to the future viability. मतलब देखो ये जरूरी नहीं है कि ये business, ये धंधा future में भी चलता रहे, हम ये नहीं बोल रहे, हम सिर्फ verify कर रहे हैं and certify कर रहे हैं क्या factual implementation को, कि क्या LODR की factual implementation हुई है या नहीं हुई है. मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि ये future में company चलेगी, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे. ठीक है, नहीं नहीं हम ये बोल रहे हैं कि इसने past में बहुत अच्छी तरीके से enterprise को manage किया है, nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company. हम नहीं ये बोलना चाह रहे कि फ्यूचर में चलेगी, नहीं हम ये बोलना चाह रहे कि पास्ट में अच्छा काम किया है. ठीक है, तो ये हो गया जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट. हमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट का ध्यान देना है, हमें कोड ऑफ एथिक्स का कंप्लायंस करना है. जब जब हमें कंप्लायंस सर्टिफिकेट दे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, कोड ऑफ एथिक्स, हमें गाइडेंस नोट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना जो इशू किया है ICAI का, उसका ध्यान रखना है. अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, रेगुलेशन 17, रेगुलेशन 17 कंपोजिशन, रेगुलेशन 18 ऑडिट कमेटी. ठीक है, तो देखो हमें एक ऑप्टिम मतलब नॉट लेस देन 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नॉट लेस देन 50%, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, और एक वीमेन डायरेक्टर होनी ही होनी चाहिए, और जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी है उनमें इंडिपेंडेंट वीमेन डायरेक्टर होनी चाहिए. मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस वीमेन डायरेक्टर दोनों, मतलब वीमेन जो होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. देखो नॉर्मली वीमेन डायरेक्टर होनी चाहिए है ना, लेकिन अगर टॉप 1000 एंटिटी में हो आप तो आपके पास इंडिपेंडेंट वीमेन डायरेक्टर होनी चाहिए. ठीक है, और आपके पास नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो एटलीस्ट 50% इज. ठीक है, अब देखो टॉप, ये जो ऑब्वियसली बात है जी, जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी हम ये कैसे डिटरमिन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है ना. तो हम ये देखेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं बोलूँ तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वीमेन डायरेक्टर होनी चाहिए टॉप 1000 में, और वन वीमेन डायरेक्टर होनी चाहिए हर कंपनी में, हर लिस्टेड कंपनी में. ठीक है ना, कोई भी बंदा नहीं अपॉइंट करेगा, नहीं कंटिन्यू करेगा, किन बंदे की नो लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट या फिर कंटिन्यू नहीं करेगा द डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. मतलब कोई भी बंदा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर कंटिन्यू नहीं कर सकता अगर उसने 75 साल की एज अचीव कर ली है, अनलेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास. अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है और वो 75 साल से ऊपर है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर वो 75 साल से ऊपर है और SR पास नहीं हुआ है तो वो नहीं वो अपॉइंट हो सकता है, नहीं वो कंटिन्यू कर सकता है. इसका कंटिन्यू का डेफिनेशन ये क्या है, मतलब मान लो मैं 74 साल में अपॉइंट हुआ था, ठीक है, अब मैं 75 का हो गया तो अब मैं कंटिन्यू भी नहीं कर सकता. ठीक है, अगर मैं मान लो 75 का हो गया तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता. तो ये अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी देखना है और कंटिन्यूएशन के भी टाइम पे भी देखना है. अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए तो हम कर सकते हैं. तो अगर मैं बोलूँ एटलीस्ट 50% नॉन ईडी होनी चाहिए, और नॉन ईडी 75 साल से ज़्यादा क्या है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितने रख सकता हूँ मैं लिस्टेड एंटिटी में, ओनली 7. तो मैं 7 कंपनीज में लिस्टेड डायरेक्टरशिप रख सकता हूँ, इज नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज. मतलब एक डायरेक्टर 7 लिस्टेड एंटिटीज में डायरेक्टर हो सकता है, और साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी, ऑब्वियसली बात है डायरेक्टर सिर्फ 7 लिस्टेड एंटिटीज में हो सकता है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी 7 लिस्टेड एंटिटीज में ही हो सकता है. तो मतलब मैक्सिमम सिंपल सी बात क्या है, मतलब 7 लिस्टेड एंटिटीज में ही मैं डायरेक्टर हो सकता हूँ. लेकिन अब आप फंडा समझो, अगर मैं MD या WTD हूँ किसी लिस्टेड एंटिटी का, अगर मैं MD या WTD हूँ, होल टाइम डायरेक्टर हूँ या मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ किसी लिस्टेड एंटिटी का, तो भाई मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ 3 में बन सकता हूँ. ठीक है, इन एनी लिस्टेड एंटिटी शैल सर्व एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन नॉट मोर देन 3 लिस्टेड एंटिटीज. तो अगर मैं MD WTD हूँ किसी लिस्टेड एंटिटी का, लेकिन अगर मैं MD WTD हूँ किसी अनलिस्टेड एंटिटी का, तो फिर मैं 7 में बन सकता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. लेकिन अगर मैं MD WTD हूँ लिस्टेड एंटिटी का, तो मैं बन सकता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ओनली इन 3 कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर या फिर MD हूँ मैं किसी लिस्टेड एंटिटी. अगर यहाँ पे अनलिस्टेड है तो मैं 7 में बन सकता हूँ, क्योंकि माई मैक्सिमम लिमिट इज 7. ठीक है, 7 लिस्टेड एंटिटीज. ठीक है, अब देखो चेयरपर्सन जो होना चाहिए, अगर वो देखो, अब देखो फंडा क्या है, देखो फंडा ये है, अगर मेरा जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, साथ साथ में वो नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर है. ठीक है, 3 कंडीशन है. देखो, साथ पहले तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव,
होना चाहिए, साथ साथ में वो नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर होना चाहिए, या फिर पर्सन ऑक्यूपाइंग दी मैनेजमेंट पोजीशन, ठीक है, एट दी बोर्ड लेवल या फिर वन लेवल बिलो दी बोर्ड, मतलब वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, नहीं प्रमोटर से, नहीं बोर्ड से, या फिर वन लेवल बिलो दी बोर्ड से। तो अगर देखो मान लो वो नॉन एग्जीक्यूटिव है और वो नहीं रिलेटेड है। तीसरा, मेरी कंपनी ने SR इक्विटी शेयर्स इशू नहीं किए। अगर तीनों कंडीशन, मतलब मैं नॉन एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरा कोई भी बंदा रिलेटेड नहीं है, ठीक है, है ना, मेरा कोई भी मतलब वो जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, जो चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो किसी से रिलेटेड नहीं है एज अ प्रमोटर, मतलब किसी प्रमोटर से रिलेटेड नहीं है, किसी बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, और वो क्या है, इस कंपनी ने SR इक्विटी शेयर्स इशू, मतलब सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर रखे। तो इन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट सिर्फ कितनी है, सिर्फ इन्हें 1/3 ऑफ द बोर्ड शैल कंप्राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये कंडीशन मीट नहीं होती, मतलब या तो मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, चेयरपर्सन जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, या फिर कंपनी ने SR इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे, ये देखो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, या फिर SR इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे है, या फिर क्या बोलते हैं, कंपनी मतलब चेयरपर्सन या तो एग्जीक्यूटिव है, या फिर चेयरपर्सन है तो नॉन एग्जीक्यूटिव लेकिन वो रिलेटेड है, तो इन ये वाले केसेस में क्या होगा, हाफ शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो अगर तीनों कंडीशन मीट करता है, नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉट रिलेटेड, और तीसरी कंडीशन SR इक्विटी नहीं है, तो क्या हुआ, लिमिट 1/3 शुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन अदरवाइज अगर मान लो SR इक्विटी है, या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव है, या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव है लेकिन रिलेटेड है, तो इन तीनों केसेस में हमारे वन हाफ, ठीक है, तो एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, तो ये हमारा फंडा आ जाता है। अब अपन चलते हैं, अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और इस कंपनी ने मान लेते SR इक्विटी नहीं दे रखा, और ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये रिलेटेड भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है 1/3 चाहिए, तो एटलीस्ट 1/3 क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और 6 अदर डायरेक्टर्स है, तो मतलब 8 तो ये हो गया और 6 अदर है, तो मतलब 7 हो गया, तो 7 का 1/3 कितना होता है, 2.33, तो 2.3 को राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि एटलीस्ट लिखा है, ठीक है, तो इट विल कम 3 और मोर, तो मतलब कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। अगर टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज में अगर आप आते हो तो आपके पास मिनिमम 6 डायरेक्टर होने ही होने चाहिए, ठीक है, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी। अभी हमने क्या पढ़ा था, टॉप 1000 में वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए, तो टॉप 2000 में अभी हमने क्या पढ़ा, टॉप 2000 में हमने पढ़ा कि एटलीस्ट 6 डायरेक्टर होने चाहिए। अब हम पढ़ रहे टॉप 500 में, टॉप 500 का जो चेयरपर्सन होना चाहिए वो नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और वो नॉट रिलेटेड टू किससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, MD या फिर CEO से, ठीक है, तो वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए टू द MD और दी CEO। यहाँ पे प्रमोटर नहीं कवर है, मुझे पता नहीं चला क्यों लॉजिक, इसका क्या लॉजिक है, क्यों कवर नहीं किया, यहाँ पे लिखा है सिर्फ नॉट रिलेटेड टू द MD और दी CEO, ठीक है। और टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी में जो चेयरपर्सन होना चाहिए वो नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और नॉट रिलेटेड टू मैनेजर, MD या फिर CEO, ठीक है, ये है हो गया हमारा। लेकिन जो अभी हमने ऊपर प्रोविजन पढ़ा कि टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज का चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए एंड नॉट रिलेटेड टू MD या CEO, ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर उस कंपनी का कोई भी आइडेंटिफिएबल प्रमोटर्स नहीं है, ठीक है, अगर उसके कंपनी का कोई भी आइडेंटिफिएबल प्रमोटर्स नहीं है, है ना, इट शैल नॉट बी एप्लीकेबल, तो जो ऊपर वाला प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगा। ये वाला हमने ऑलरेडी पॉइंट कवर कर लिया है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑब्वियसली बात है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ रेम्यूनरेशन रिसीव करता है, उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है विद द लिस्टेड एंटिटी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी कंपनी, या इनके होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी कंपनी या लिस्टेड एंटिटी या प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स के साथ उसका कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होता है पिछले 2 सालों में या फिर इस साल में, ठीक है, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो LHAS लिस्टेड कंपनी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी, ठीक है, LHAS या फिर इनके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ उसका कोई भी मटीरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है पिछले 2 सालों में या इस साल में, ठीक है। और ये ऑल्सो सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या तो खुद या अपने रिलेटिव्स के साथ ये नहीं सप्लाई करता है, नहीं सर्विस प्रोवाइड करता है, नहीं कस्टमर है, नहीं लेसर है ना लेसी है ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, नहीं वो मतलब अपने या अपने रिलेटिव के साथ नहीं वो सप्लायर है ना सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसका कोई भी मटीरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है विद द लिस्टेड एंटिटी, एंड ही इज नॉट अ सब्सटैंशियल शेयर होल्डर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, मतलब सब्सटैंशियल शेयर होल्डर के साथ मतलब क्या है, मतलब इसके पास सिर्फ 2% वोटिंग पावर है। सब्सटैंशियल शेयर होल्डर की डेफिनेशन ही यही है कि भाई इसके पास सिर्फ 2% वोटिंग पावर है, तो मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव कैन होल्ड
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली बात तो मतलब स्टॉक मतलब अप टू 2% मतलब इन्होंने बोला है कि नॉट अ सब्सटैंशियल शेयर होल्डर, तो मतलब वो 2% तक की वोटिंग पावर भी वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब अपन और ये भी कैसे मिलेगी ये मेरी अभी अपन ना आगे पढ़ेंगे इससे रिलेटेड पॉइंट एट, है ना, उससे रिलेटेड ये पॉइंट हम नीचे पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या स्टॉक ऑप्शन हेल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव 2% की वोटिंग पावर रख सकता है, लेकिन इस वोटिंग पावर में स्टॉक ऑप्शंस, देखो पहली बात तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप्स नहीं मिल सकता है, ये भी हम नीचे पढ़ेंगे, ईसॉप्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिल सकता, तो सिर्फ वो 2% की वोटिंग पावर रख सकता है, वो भी बाजार से खरीदते, ठीक है, ईसॉप के थ्रू नहीं ले सकता है वो, ठीक है। अब देखो अब क्या लिखा है, दी स्टैचुटरी ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, ठीक है ना, उसे लिमिटेड रिव्यू करना पड़ेगा उन कंपनीज का भी जो उसके साथ कंसोलिडेट होने वाली है, ठीक है। तो या तो वो इसके लिए किसकी हेल्प ले सकता है, ऐसे 600 मतलब जिसमें ब्रांच ऑडिटर की हेल्प लेते हैं ना, कि मतलब ऐसे 600 के अंदर, ठीक है, कि हम किसी और ऑडिटर की रिपोर्ट का हेल्प ले सकते हैं, या तो उस मेथड पे फॉलो हो सकता है या फिर उसे खुद ही ऑडिट करना पड़ेगा। तो देखो या तो कोई भी लिस्टेड एंटिटी जिसके इक्विटी या फिर कन्वर्टेबल, दो ही सिक्योरिटी, या तो इक्विटी या फिर कन्वर्टेबल, मतलब इन्हें ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, जिसकी या तो इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड है, और एंड द स्टैचुटरी ऑडिटर्स ऑफ सच एंटिटीज और इनके जो सब्सिडरी है, the all the entities whose accounts are to be consolidated with the listed entity, subsidiaries as well as associate, क्योंकि associate की भी consolidation तो होती है ना, and the statutory auditors of the entities whose accounts are to be consolidated with the listed entity shall comply with the prescribed procedure. Prescribed procedure हमारे syllabus में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, listed entity, उसके auditor, उनकी सब्सिडरीज, उनके ऑडिटर, ठीक है। तो वो एक प्रेस्क्राइब प्रोसीजर क्या है, मतलब वो कंसोलिडेशन, लेकिन ये लगेगा इसके ऊपर जिसकी इक्विटी शेयर या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड है, ठीक है। अब अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है अदर देन अ नॉमिनी डायरेक्टर, तो क्या नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर किसी और बंदे का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है, तो ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन, जो कि ओपिनियन ऑफ द बोर्ड में एक सच्चा बंदा है और उसके पास एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, वो कभी प्रमोटर नहीं था, ठीक है, हु इज और वाज कभी भी प्रमोटर नहीं था, किसका, लिस्टेड एंटिटी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, या फिर वो रिलेटेड नहीं है टू द प्रमोटर और डायरेक्टर इन द लिस्टेड एंटिटी LHAS, लिस्टेड होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, मतलब नहीं वो प्रमोटर था कब LHAS का, और नहीं वो रिलेटेड है टू द प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द LHAS, ठीक है ना, और उसका कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं था विद द LHAS या फिर देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर ड्यूरिंग द टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, और उसके कोई भी रिलेटिव का पेक्यूनरी रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन नहीं था विद द LHAS या फिर देयर प्रमोटर और डायरेक्टर कितने अमाउंट तक का, अमाउंटिंग टू 2% ऑफ इट्स ग्रॉस टर्न ओवर और टोटल इनकम, मतलब इसका देखना है हमें कि कंपनियां देखना है कि भाई 2% ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम या 50 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, मतलब इतने ही ट्रांजेक्शन कर सकता है रिलेटेड पार्टी विद द LHAS या फिर देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर, ठीक है, ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब रिलेटिव पैक्यूनरी रिलेशनशिप कितनी कर सकता है, 2% ऑफ द टर्नओवर और 50 लाख, या फिर 2% ऑफ द टोटल, 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम, या फिर 50 लाख, विच एवर इज लोअर, इतने रिलेटिव ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जिसके साथ LHAS और देयर प्रमोटर्स, ठीक है, ये फंडा हो गया है ना। फिर हम ये पढ़ते हैं, हु इज़ नॉट लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु इज़ नॉट अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अनादर कंपनी ऑन द बोर्ड ऑफ विच एनी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेट सपोज ए यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बी यहाँ पे नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और ये जो बी है ये दूसरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बी क्या है, उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। लेट सपोज वहाँ पे ये जो ए है वो नॉन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ए यहाँ पे फिर इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता, मतलब बी अगर यहाँ पे नॉन इंडिपेंडेंट है और वो दूसरी कंपनी में बी इंडिपेंडेंट है और वहाँ के जो भी डायरेक्टर है वो इस कंपनी में फिर इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते, तो फंडा ये है, ठीक है, ये अपना पॉइंट हो जाता है। अब अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, जो या तो खुद या अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं हेल्ड करता है दी पोजिशन ऑफ अ KMP या फिर एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग ऑफ द LHAS इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, मतलब नहीं उसका ना वो खुद नहीं वो ना उसका रिलेटिव नहीं वो KMP था नहीं वो एम्प्लॉई था, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर आप याद करो कंपनी लॉ में इसके लिए एक एक्सेप्शन थी कि रिलेटिव एम्प्लॉई हो सकता है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो मतलब क्या है KMP नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, नहीं वो एम्प्लॉई होना चाहिए कौन
या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद या उसका कोई रिलेटिव, ठीक है, नहीं एम्प्लॉय होना चाहिए या पार्टनर होना चाहिए या प्रोपराइटर, ईपीपी, एम्प्लॉय प्रोपराइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों में किसी ऑडिट फर्म का, ठीक है, एंड फर्म ऑफ द ऑडिटर्स और ऑडिटर्स या फिर कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस या क्रॉस ऑडिटर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, LHAS, ठीक है, मतलब इनका ना वो ऑडिटर होना चाहिए, नहीं वो क्रॉस ऑडिटर होना चाहिए, नहीं वो कंपनी सेक्रेटरी इन मतलब CS होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब इनका LHAS का वो कोई भी एम्प्लॉय प्रोपराइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए उस ऑडिट फर्म का, उस कंपनी सेक्रेटरीज फर्म का या कुछ क्रॉस ऑडिट फर्म का जो ऑडिट करते हैं LHAS का, या कोई ऐसी लीगल या कंसल्टेंट फर्म जिसका ट्रांजेक्शन होता है LHAS के साथ अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म, जिस फर्म का मतलब 10% या टर्नओवर जो आता है वो मेजरली आता है LHAS से, ठीक है, तो उसका मतलब पिछले मतलब उनका इन इनके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो अपने रिलेटिव्स के साथ 2% से है ना विथ हिज रिलेटिव 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, और वो CEO और डायरेक्टर नहीं होना चाहिए उस NPO का जो 25% से ज़्यादा अपनी रिसिप्ट रिसीव करता है फ्रॉम द लिस्टेड एंटिटी, सिर्फ यहाँ पे वर्ड क्या है लिस्टेड एंटिटी, उनके प्रमोटर और डायरेक्टर, देखो यहाँ पे क्या है LHAS के प्रमोटर डायरेक्टर नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या है लिस्टेड एंटिटी है प्रमोटर्स और डायरेक्टर एंड होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी, मतलब अगर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी है प्रमोटर और डायरेक्टर है तो अगर वो उनका 25% में काउंट नहीं होगा, तो मतलब ऐसा मैं ऑर्गेनाइजेशन का CEO हूँ या डायरेक्टर हूँ जो कि एक NPO है और जो 25% कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करता है या तो लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर या फिर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के, है ना, इनके प्रमोटर डायरेक्टर यहाँ पे कवर नहीं है, ठीक है ना, या फिर जो ये जो है ये जो बंदे होल्ड करते हैं 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ दी लिस्टेड एंटिटी, मतलब या तो देखो क्या हो गया कि 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करता है NPO रिसीव करता है, या फिर NPO ने 2% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रखा है ऑफ दी लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, या फिर मटेरियल सप्लायर नहीं होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए, एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत आसान है ना, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपना कवरेज करेंगे, तो होप यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, आप ये भी बताना कि आपको वीडियोज़ ये कैसी लग रही है।